नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एलिप्स का एक क्वेश्चन। एलिप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एलिप्स पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है फोकस, ठीक है। और फोकस कोऑर्डिनेट कहाँ पर गिवन है? एक्स एक्सिस पर गिवन है। इसका मतलब इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो कहाँ पर होगी? एक्स एक्सिस पर होगी। देखिए फोकस जहाँ पर गिवन है, मेजर एक्सिस उसी एक्सिस पे गिवन होगी। इसका सेंटर 0 0 ध्यान रखें, और आपके पास जो एलिप्स है वो इस तरह का बनेगा। फोकस कोऑर्डिनेट 5.0 है, ध्यान रखें ये 5.0 है और ये कितना आपके पास -5.0 है। इसकी दो फोकस होती हैं, ठीक। उसने कहा है कि इसका मेजर एक्सिस जो है वो 26 है। तो आप देखें मेजर एक्सिस ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यदि इसको ए माना जाए तो स्पॉन्टेनियस कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1.0 होगा और ये -1.0 होगा। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस जो है आपके पास 26 दे रखा है और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब इक्वेशन हमारे पास इस तरह की है, एलिप्स इस तरह का है जिसका फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। हमें यहाँ पर ए तो पता लग गया, 2a = 26 है, तो ए तो पता लग गया हमारे पास 13 है। अब हमें क्या निकालना होगा? बी निकालना होगा। लेकिन हमारे पास ये फोकस कोऑर्डिनेट भी गिवन है। हम जानते हैं फोकस कोऑर्डिनेट क्या होता है? c.0 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से c पता लग गया कि c 5 है। हमें ये पता लग गया c 5 है, बी ए हमारे पास 13 है, तो हम बी कैसे निकाल पाएंगे? जब तक यहाँ पर ए और बी पता नहीं होगा तब तक हम इसे एलिप्स की इक्वेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमारे पास कोई रिलेशन होना चाहिए जिसमें ए पता हो, सी पता हो, तो बी पता कर लें। रिलेशन पता है आपको? आपको रिलेशन पता है, ये रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा 169.25, तो बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 144, तो बी जो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है जी। आपको बी 12 पता लग गया, ए आपको 13 है। ए और बी की वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। तो अब लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इसे ऐसे भी लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1 एंड दिस योर आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, आपको फोकस कोऑर्डिनेट यहाँ 5.0 था, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसका मतलब है इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट 0.5 होता तो मेजर एक्सिस 2b होता। मेजर एक्सिस उस कंडीशन में क्या होता? 2b, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।